जो सवाल उठाए एसपीओज का, हम इस बात की एहसास है हमें कि एसपीओज जो है हमारे एक अहम हिस्सा है और सना बसाना काम करते हैं और कप्तन का पे करते हैं, हमें इस चीज की एहसास है। हम अपने तरीके से जो हमारे अख्तियारात के दायरे में है हम उसको उनका भला करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी वेलफेयर स्कीम में हम जो पुलिस वालों को जिस तरीके से लोन वगैरह देते हैं तो हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन होती है, तो उसमें से उनको भी हम उसी पैसे से उनको लोन देते हैं, उनका इलाज के लिए पैसे देते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह देने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर हम जैसे SRO 43 में तो उनको मिलता है जो कंस्टेबल, इनको हम उनके घर वालों को ही प्रेफरेंस देने के लिए कोशिश करते हैं। अपना दायरे में जो हम कर सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब उसके एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको और बेनिफिट्स मिले या उनको, वो एक सिलसिला है, उस पर हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि उनको किस तरीके से, जो उनमें से कम अच्छे काम करते हैं उनको हम किस तरीके से पुलिस में ला सकते हैं, रेगुलर पुलिस में, उसकी हम हमेशा एक कोशिश करते हैं, बीच बीच में करते भी हैं, उसको अमल में भी लाते हैं। पर एक ये अलग से स्कीम है तो एकदम से इसको कन्वर्जन करने का तो गवर्नमेंट का दायरे में आएगा, पर हम इस बात की, हमारे सारे अफसर साहिबान जो है वो इस बात की बड़ी फिक्रमंद है कि एसपीओज को हम अपना के साथ में लेके चले और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए करें।